गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम लेसन दैट वी वर स्टडिंग यस्टरडे एंड इट्स नेम इज द नाइट व्हेन द गोस्ट केम इन गॉट इन. वह रात जब भूत घर में आया. कल हमने पढ़ा कि किस तरह से रात के 1:15 पर लेखक नीचे अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनता है, उसको भूत समझता है, और किस तरह से उसकी माँ जब जगती है वो खिड़की के बीच में से जूता फेंकती हैं और पड़ोसी बोर्डवेल को जगाती है, पुलिस को बुलाती हैं, पुलिस जब घर पे आती है सारा सामान बिखेर देती हैं. अब आगे क्या होता है वो आज हम पढ़ते हैं. नो साइन ओ नथिंग सैड द कॉप हु हैड फर्स्ट स्पोकन टू मदर. और एक पुलिस वाला कहता है यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है. दिस गाय ही एक्सप्लेन टू द अदर्स जर्किंग अ थंब एट मी वाज नेकेड. और लेखक की तरफ इशारा करके कहता है कि यह आदमी जब हम यहाँ आए थे तो नेकेड था, नंगा था. द लेडी सीम्स हिस्टोरिकल. दे ऑल नोडेड. और सभी ने हाँ हाँ में हाँ मिलाई. बट सेड नथिंग. लेकिन कुछ नहीं कहा. जस्ट लुकड एट मी. केवल लेखक की तरफ देखा. इन स्मॉल साइलेंस वी ऑल हर्ड अ क्रैकिंग इन द एटिक. तभी उन्होंने एटिक के अंदर आवाज़ सुनाई दी. एटिक के अंदर उनके दादाजी सोए हुए लेखक के. ग्रैंड फादर वॉज टर्निंग ओवर इन बेड. दादाजी बिस्तर में करवट बदल रहे थे. व्हाट्स दैट स्नैप जो. तभी जो पुलिस वाला जो होता वो कहता है ये आवाज़ किस चीज़ की है. 5 or 6 कॉप्स स्प्रैंग फॉर द एटिक डोर. और 5 or 6 जने जहाँ से आवाज़ आ रही उस एटिक की तरफ जाते हैं जहाँ दादाजी सोए हुए हैं. बिफोर आई कुड इंटरवीन और एक्सप्लेन. लेखक उनको ये समझा पाता कि भाई दादाजी की स्थिति क्या है, आप मत जाओ, उससे पहले ही पुलिस वाले वहाँ चले गए. आई रियलाइज दैट इट वुड बी बैड इफ़ दे बर्स्ट इन ऑन ग्रैंडफादर अनअनाउंस्ड और इवन अनाउंस्ड. क्योंकि दादाजी के पास जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है. ही वॉज गोइंग थ्रू अ फेज इन विच ही बिलीव दैट जनरल मेड्स मैन अंडर स्टडी हैमरिंग बाई स्टोन वॉल जैक्सन वर बिगिनिंग टू रिट्रीट एनी वन डेजर्ट. क्योंकि उसके दादाजी पहले आर्मी में थे और उनको रह रहे के दौरे पड़ते हैं. दौरे के अंदर उनको ऐसा लगता है कि वो घर के अंदर भी ऐसे उनको ऐसा लगता है वो युद्ध के मैदान में हैं. और उनको ऐसा लगता है कि जो दुश्मनों के सैनिक हैं वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं. तो जो भी व्यक्ति उनके सामने भागता हुआ दिखाई पड़ता है या तो मतलब उसको वो भाग जैसे होता है ना, किसी आदमी को पागल होता है तो किसी को भी डॉक्टर समझ लेता है, पुलिस समझ लेता है. तो ये भी जो है किसी भी व्यक्ति को भागती हुई सेना समझता है. तो दादाजी को दौरे पड़ रहे हैं. When I got to the attic, जब लेखक attic के पास गया, things were pretty confused. चीज़ें बड़ी confused थी. दादाजी grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from Meade's army. दादाजी को लगा कि ये पुलिस वाले नहीं बल्कि युद्ध के अंदर से भागने वाले सैनिक हैं. Trying to hide away in attic. और दादाजी attic के अंदर छुप जाता है कि कहीं सैनिक उसे मार नहीं दे. He bounded out of bed. फिर वो बिस्तर से बाहर कूदता है. Wearing a long flannel night gown over long woolen underwear. और लंबा गाउन पहना हुआ है और नाइट कैप, एक टोपी पहनी हुई है, लेदर जैकेट, जैकेट पहना हुआ छाती पर. द कॉप्स मस्ट हैव रियलाइज्ड एट वंस दैट द इंडिग्नेंट वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन बिलोंग्ड इन द हाउस बट दे हैड नो चांस टू से. और जैसे ही दादाजी उठे, बैक यू कावर्डली डॉग्स. और दादाजी पुलिस वालों को क्या कहता, तुम डरपोक कुत्ते वापस जा रहे हो. रॉड ग्रैंडफादर, बैक द लाइन यू गॉडैम लिली लेवर्ड कैटल. तुम कायर व्यक्ति. With that, he faced the officer who found the jitter a flat-handed smack alongside his head and that sent him sprawling. और तभी दादाजी ने एक पुलिस वाले को जिसने वो जित्तर नामक इंस्ट्रूमेंट उठाया था ना, उसको जोर से ऐसा सर पे मारा कि बेचारा जमीन पर बिखर के गिर गया. द अदर्स बीट अ रिट्रीट. जैसे ही दादाजी ने उसको मारा, बाकी लोग डर के मारे पीछे खिसक गए. बट नॉट फास्ट इनफ. ग्रैंड फादर ग्रैब जिथर्स गन फ्रॉम इट्स हॉस्टलर एंड लेट फ्लाई. दादाजी ने पुलिस वाले के हाथ से बंदूक छीन ली और उसके गोली चला दी. द रिपोर्ट सीम टू क्रैक द राफ्टर्स. स्मोक फिल्ड द एटिक. और घर के अंदर धुआं धुआं हो गया क्योंकि बंदूक की गोली चलती है, धुआं तो होता ही है. दादाजी की तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं. उनको ऐसा लगता है पुलिस वाले नई सेना से ये भागने वाले सैनिक हैं, इनको पकड़ो, ये हमारे दुश्मन हैं. उनको ऐसा लगता है कि दुश्मन की सेना है, कोई युद्ध में भाग लेने वाला सैनिक हो और पागल हो जाए और वो कहे कि ये लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के सैनिक हैं, इनको मारो,
तो दिमाग के अंदर एक चीज़ फिट बैठ गई इसके अंदर। उसने वो पुलिस वाले की बंदूक छीन ली और गोली चला दी। अ कॉप शॉट इज हैंड टू हिज शोल्डर, और एक पुलिस वाले की गोली लग जाती है। सम हाउ वी ऑल फाइनली गॉट डाउन स्टेयर एंड लॉक द डोर अगेंस्ट द ओल्ड जेंटलमैन। फिर सभी जो घर वाले आए और दादाजी को पकड़कर कमरे के अंदर बंद कर दिया। ही फायर्ड वंस और ट्वाइस मोर इन डार्कनेस देन वेंट टू बेड। और दादाजी जो है कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, दादाजी और बंदूक भी दादाजी के हाथ में रह गई, और दादाजी अंदर अंधेरे में दो तीन गोलियां और चला देते हैं, डिशू डिशू, और उनको लगता है कि वो दुश्मनों को मार दिया। डैट वॉज ग्रैंडफादर। तो लेकर कहता है ऐसे मेरे दादाजी थे। आई एक्सप्लेन टू जो आउट ऑफ ब्रेथ, ही थिंक्स यू आर डेजर्टर, आई विल से ही डज, सेड जो। और लेखक ने पुलिस वालों को बताया कि मेरे दादाजी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको ऐसा लगता है आप दुश्मन देश के सैनिक हो और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए वो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉप्स वर रिलेक्टेंट टू लीव विदाउट गेटिंग देयर हैंड्स ऑन समबडी बिसाइड्स ग्रैंड। अब पुलिस वाले भी कोई कम नहीं होते, अगर उनको कोई क्रिमिनल नहीं मिले तो किसी ना किसी को पकड़कर उसको क्रिमिनल बनाना ही है, उनकी ये आदत रहती है। लेकिन वो दादाजी को नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि दादाजी के अलावा किसी को भी पकड़ कर ले जाएंगे लेकिन दादाजी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक गोली चली और दादाजी को ले गए तो न जाने कितनी गोलियाँ चलाएंगे, न जाने कितनों को मार देंगे। द नाइट हैड बीन डिस्टिंक्टली डिफीट फॉर देम। और ये रात जो है पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं लगा। फर्दर मोर दे ऑब्वियसली डिडेंट लाइक द ले आउट, समथिंग लुक्ड एंड आई कैन सी देर व्यू पॉइंट फॉनी, दे बिगेन टू पॉक इन टू थिंग्स अगेन। पुलिस वाले केवल व्यर्थ में ही इधर उधर चीज़ों को ऊपर नीचे कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी कोई बर्गलर कोई चोर नहीं मिला। अ रिपोर्टर थिन फेस, और जो रिपोर्टर जो पत्रकार पुलिस वालों के साथ आया हुआ था पतले चेहरे का, विस्पी मैन केम अप टू मी, और लेखक के पास आया। आई हैड पुट ऑन वन ऑफ मदर्स ब्लाउज, और लेखक को पता है ना रात को 1:15 बजे नहा रहा था और इसके टॉवल पहना हुआ था, ये भी ध्यान है। और जब पुलिस वाले आए तो ये अंदर जाकर ट्राउजर पहन के आया, ये भी आपको मैंने बताया था। लेकिन अंधेरे के अंदर इसने जो है ऊपर जो है टी शर्ट की जगह अपनी माँ का ब्लाउज पहन लेता है, और लाइट जब लाइट होती है, लाइट आती है तब जब लाइट जलती है तब पता चलता है कि उसके ब्लाउज पहना हुआ है, इतनी देर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट बीइंग एबल टू फाइंड एनीथिंग एल्स, द रिपोर्टर लुक्ड एट मी विद मिंगल्ड सस्पिशन एंड इंटरेस्ट। और जो रिपोर्टर था वो लेखक की तरफ डाउट से देख रहा है, क्या है, आदमी है या औरत है, क्या है, कैसा व्यक्ति है, इतनी देर तो नेकेड था, नंगा था, अब अलग तरह की ड्रेस पहन ली। द रिपोर्टर लुक्ड एट मी विद मिंगल्ड सस्पिशन इंटरेस्ट, जस्ट व्हाट द हेल इज द रियल लो डाउन हियर, बट ही आस्क्ड, आई डिसाइडेड टू बी फ्रैंक विद हिम, वी हैड गॉस्ट। तब अंत में लेखक ने पुलिस वालों को कहा कि इस घर में भूत है, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि भूत तो दिखते नहीं। ही गेज्ड एट मी अ लॉन्ग टाइम एज इफ आई वर अ स्लॉट मशीन इन टू विच ही हैड विदाउट रिजल्ट ड्रॉप्ड अ निकट। और वो पुलिस वाला लेखक को ऐसे देख रहा है जैसे लेखक रेलवे स्टेशन पर वो मशीन होती ना वेट, जिसके अंदर पैसा सिक्का डालते हैं अपन वेट देखते हैं, तो उसकी तरह उसने उसको देख रहा था कि क्या है ये, मशीन जैसा व्यक्ति है, क्या है। देन ही वॉक्ड अवे, फिर वो चला गया। द कॉप्स फॉलोड हिम, पुलिस वाले भी रिपोर्टर के पीछे चले गए। द वन ग्रैंडफादर शॉट होल्डिंग हिज नाउ बैंडेज्ड आर्म, और वह व्यक्ति जिसको दादाजी ने गोली मारी थी उसकी पट्टी बंधी हुई है, वो दादाजी को गालियाँ दे रहा है। आई एम गोना गेट माई गन बैक फ्रॉम दैट ओल्ड बर्ड, और पुलिस वाला चिल्ला रहा है कि मैं उस बुढ़े व्यक्ति से, उस बुढ़े पक्षी से मेरी बंदूक लेकर रहूँगा, क्योंकि उसकी बंदूक दादाजी ने छीन ली ना। Yeah, said Joe, you and who else, I told them I would bring it to the station house the next day. और लेखक ने पुलिस वालों को कहा चिंता मत करो, आज दादाजी शांत हो जाएंगे तो कल मैं उनसे बंदूक लेकर आपको पुलिस स्टेशन में आकर दे दूंगा। What was the matter with that one police, mother asked. और मदर को भी ध्यान नहीं हुआ क्या, उसने कहा उस पुलिस वाले के साथ क्या हुआ। मदर को ये भी ध्यान नहीं कि उसको दादाजी ने गोली मार दी। After they had gone, grandfather shot him, I said. जब वो चले गए तो लेखक ने अपनी माँ को कहा कि दादाजी ने उनको गोली मार दी। व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए, दादी ने, माँ ने पूछा। आई टोल्ड हर ही वॉज अ डेजर्टर, क्योंकि दादाजी को लगा कि वो दुश्मन के सैनिक हैं जो भाग रहे हैं। ही वॉज सच ए नाइस लुकिंग यंग मैन, ग्रैंडफादर वॉज फ्रेश एज डेजी, फुल ऑफ जॉक्स एट ब्रेकफास्ट नेक्स्ट। और अगली सुबह जब दादाजी उठते हैं बिल्कुल ताज़ा होते हैं। We thought at first he had forgotten all about what had happened. सबको लगा कि दादाजी सब कुछ भूल गए, रात को क्या हुआ, क्योंकि उनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है, सब कुछ भूल गए होंगे।
लेकिन दादाजी कुछ भी भूले नहीं थे और इस थर्ड ऑफ कॉफ़ी, बल्कि बैठे बैठे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कॉफ़ी पी रहे थे। और जब तीसरा कॉफ़ी का कप पी रहे थे तो उन्होंने हरमन और लेखक की तरफ देखा। वॉट वॉज द आईडी ऑफ ऑल दैम कॉप्स टैरी हुटिंग राउंड द हाउस लास्ट नाइट। और दादाजी कहते हैं कि कल रात वो इतने पुलिस वाले क्यों घूम रहे थे। ही हैड अस देयर। तो इस तरह से दादाजी को सब ध्यान था, उन्होंने गोली चला दी, कदमों की आहट आई, लेखक ने उसको भूत समझा, बल्कि भूत वहाँ था नहीं। इसी कन्फ्यूजन से सारी स्थिति पैदा हो गई और एक इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो गया। मिला तो कुछ नहीं, उल्टा बेचारे पुलिस वालों को ही गोली लग गई। तो इस तरह से जो है एक कन्फ्यूजन की वजह से क्या स्थितियाँ पैदा होती है वो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज ये पाठ पूरा होता है, आप इसके क्वेश्चंस आंसर करिए। एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट मी, आई विल श्योरली हेल्प यू इन एनी वे। थैंक यू वेरी मच।